नाम है, मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे जिहादियों से प्रॉब्लम है जो कश्मीर और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां लाके पटक दिया गया है। इसके निजात के लिए कोई काम करना चाहिए, ना कि यहाँ पे जिहाद फैला के लोगों को मारने का प्लान बनाना चाहिए। आपके पास टेस्ट करने का क्षमता नहीं है, ना आपके पास किट है, ना आपके पास मशीनरी है, तो आपको तो पता ही नहीं आपके देश के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। तो भाई साहब, ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। घर में जो जाके देखा है तो कम से कम 20 पैकेट खाने का एक घर में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, और वो लोग आराम से मुर्गा और मटन बना के खा रहे हैं। तो मतलब ये हर सिचुएशन में चाह रहे हैं किसी न किसी तरह यहाँ लोग बीमारी से ग्रसित हो, चाहे भूख से मरे, चाहे वो दवा के बिना मर जाए, चाहे वो, मतलब इसको, इनको किसी न किसी तरह जिहाद करना है और लोगों को मारना है। तो आज तो आप ये कह रहे हो ना 300 रुपए मास्क मिल रहा है, आपको 3000 में मास्क नहीं मिलते अगर एक्सपोर्ट होता रहता अभी तक। तो अभी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी 50 मौलाना है जो कह रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, हम तो मस्जिद में जाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। तो ये लोग नहीं मानने वाले हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, तो इनके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो ये भौंकने वाले हैं जो टीवी चैनलों पे, उनको पकड़ के पहले बंद करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जालिम मुखिया की। जालिम के नाम से आपको समझ में आ जाता होगा कि जालिम हमारे समाज में कैसे लोगों को कहा जाता है। जालिम एक क्रूर और जो एक मतलब दूसरे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों के लिए जालिम कहा जाता है। ये नेपाल के हैं, इनका खुद में नाम जालिम है और इनके कर्म भी जालिम जैसे हैं। जैसा कि बीएसएफ की बटालियन ने बताया है कि वहां से एक पूरा पेपर उन्होंने रिलीज किया है, उन्होंने कहा है कि ये जालिम है, ये कोरोना आतंकवाद हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करने में लगा हुआ है और पूरा बॉर्डर हमने सील कर दिया है और कोशिश करेंगे कि कोई भी इनकी तरफ से एक भी आदमी ना घुस पाए हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने कोरोना जिहादी 200 के करीब ट्रेनिंग दे रखे हैं और उनका पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में घुसा जाए। तो हमारे साथ आज धीरज जी हैं। धीरज जी नमस्कार, हम आपसे जानना चाहेंगे जालिम मुखिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बिहार का हूं और उस क्षेत्र से हूं जो क्षेत्र बॉर्डर से लगा हुआ है बरगनिया। जालिम जैसे लोग आपको वो नेपाल का नहीं बल्कि इंडिया के हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में मिल जाएगा जो दिल में ये अरमान पाले हुआ है। तो अभी इतना बड़ा मुद्दा उभर के आया है जमात के बारे में, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जमात को बैन करना चाहिए। अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि जो इसका मुखिया अभी तक दिल्ली में घर में घुसा हुआ है उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे जिहादियों से प्रॉब्लम है जो मन में और दिमाग में जिहाद लेके घूमते हैं। हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा। हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा और दिमाग में जिहाद। तो अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि जहां से ये आतंकवाद, कोरोना आतंकवाद की साजिश रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान अपने आप में एक बीमारी से इतना टूटा हुआ है कि उनके खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वेंटिलेटर दे दिया जाए। उनके टीवी चैनल पे 500-500 रुपए और 100-100 रुपए के लिए अपील की जा रही है कि आपके 100 रुपए और 500 रुपए हमारे मुल्क के लिए बहुत ही मददगार होंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को और ऐसे देश को ये समझ लेना चाहिए कि आज के समय में इस आतंकवाद को ना करके दूसरे देशों से सहायता लेकर के अपने जनता का भला कर सके? बिल्कुल, वो लोग वो हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। खिलाड़ी भी देख रहा है अपने देश के जनता को मरते हुए, इसलिए वो लोग हताश हो चुके हैं। और ये लोग, आपको पता है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव है उसको उठा करके जो ये जो कश्मीर और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां लाके पटक दिया गया है, जिससे साफ दर्शाता है कि उन लोगों से उनको प्यार नहीं है। बस वो कब्जा करके रखे हुए वो जगह, वहां चाहते हैं कोरोना फैला के लोगों को मार दिया जाए। तो जिहादियों को सोचना चाहिए कि देखो, जिसके लिए तुम जिहाद कर रहे हो, तुम्हारा सरकार तुमको साथ, तुम्हारा साथ नहीं देता है, तुमको पैसा खर्च नहीं कर रहा है, और तुम किस मतलब किस नजरिए से ये सब कर रहे हो। अभी भी उन जिहादियों को सोचना चाहिए कि उनके देश में कितने लोग मर रहे हैं और उसके निजात के लिए कोई काम करना चाहिए, ना कि यहाँ पे जिहाद फैला के लोगों को मारने का प्लान बनाना चाहिए। इतना कुछ होते हुए भी
इंडिया सरकार ने जैसे हर देश की मदद की है वैसे पाकिस्तान का भी मदद कर रहा है, लेकिन वो लोग खंजर घोपने का काम किया है हमेशा। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान मदद कैसे ले, अफगानिस्तान की सीमा उन्होंने ओपन कर दी है, पाकिस्तान से लाखों की संख्या में अफगानिस्तान की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो अब तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों उस बीमारी से टूट जाएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों देशों की हालत है कि वो ऐसी बीमारी से लड़ नहीं सकते और बहुत ही वीक है, ना तो चिकित्सा है ना पैसा है, और तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी वहां के लोगों के सामने। आपको जब अमेरिका और इटली जैसा जिसका मेडिकल में स्थान नंबर वन और नंबर टू आता है वो देश नहीं लड़ सकता, ये जो भूखा नंगा देश है पाकिस्तान ये क्या लड़ेगा? आपको लगता है ऐसा? एक्चुअली वहां पे टेस्ट किट नहीं है ताकि लोगों का टेस्ट हो सके, वहां पे मतलब 2 लाख से ऊपर लोग ग्रसित है इस बीमारी से, और आने वाले 10 दिन में यही 2 लाख मतलब 4-5-10 लाख में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और उन लोग को पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि अब एक चीज बताइए, जब आपके पास टेस्ट करने का क्षमता नहीं है, ना आपके पास किट है ना आपके पास मशीनरी है, तो आपको तो पता ही नहीं आपके देश के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। तो भाई साहब ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे, और इस बार ये इन लोग का मतलब जो ये नॉर्मल समझ रहे हैं इस बीमारी को, इससे अब इनको निजात मिलने वाला नहीं है, इसका बहुत बड़ा इनको झेलना परिणाम देखने को मिलेगा। अरे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें जालिम मुखिया की, जालिम मुखिया एक भारत के खिलाफ एक साजिश रचता है, और जैसा कि बीएसएफ उस चिट्ठी में लिखता है कि ये पहले भी हथियारों के तस्करी में लिप्त पाया गया है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जालिम मुखिया हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, ऐसे ही कुछ वीडियोज लोग हैं कि राशन जो देते हैं सेवा करने में लगे हुए हैं लोग, और फिर टिफिन जो पैक हो रहे हैं खाने की जो बॉक्स बन रहे हैं, तो एक एक घर में 1,000 लोगों का खाना इकट्ठा सड़ रहा है, पूड़ियां इकट्ठी हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं उस साजिश का एक पहला रूप दिखाई देता है। बिल्कुल साजिश का रूप है, ये लोग ये बिल्कुल ठान चुके हैं कि जो गरीबों को मदद मिलना चाहिए वो भी ये नहीं चाहते हैं कि लोगों के पास पहुंचे, ताकि ये लोग ले लेके जमा कर चुके हैं ऑलरेडी। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो मेरठ से है, आप उसके घर में जो जाके देखा है तो कम से कम 20 पैकेट खाने का एक घर में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, और वो लोग आराम से मुर्गा और मटन बना के खा रहे हैं। तो देखिए ये जो एक्चुअल में है, एक्चुअल गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए जो भूखे हैं जिनको खाने की आवश्यकता है, पर ये लोग उस पे भी उसको भी कब्जा कर ले रहे हैं, गरीब दिखा के वो भी फायदा ले ले रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये हर सिचुएशन में चाह रहे हैं किसी न किसी तरह यहाँ लोग बीमारी से ग्रसित हो, चाहे भूख से मरे, चाहे वो दवा के बिना मर जाए, चाहे वो मतलब इसको इनको किसी न किसी तरह जिहाद करना है और लोगों को मारना है बस। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साजिश का रूप दिखाई देता है। ये बिल्कुल साजिश है सर, बिल्कुल साजिश के तहत उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि आपके पास जो चीज जो मदद मिल रही है उस मदद को आप लो, ताकि मदद और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास ना पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि उन लोग किसी भी हर हद तक गिरने को तैयार हैं। जैसा आज हम बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, और उसमें एक विशेष करके एक चीज हमें देश को लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज हमें दिखाई देने को मिली है कि जो अभी तक मास्क 50 रुपए का 200 रुपए में बिक रहा था और तरह तरह की समस्याएं सुनने को मिली थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज गमछा बांध करके, जैसे मैंने भी गमछा बांधा हुआ है मुंह पे, तो ये मास्क का रूप काम करेगा, मास्क की जगह काम करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं जो एक महंगी या फिर मास्क की आपूर्ति नहीं हो रही थी, तो उससे लड़ने के लिए सबसे पहला कदम हमें ये दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें मोदी जी जैसा ये पीएम मिले हुए हैं। हाँ तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये कदम कि इनका हाँ गमछा यूज करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना मास्क को पूर्ति करना बहुत ही कठिन बात है, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। दूसरा डिसीजन इनका बहुत बड़ा डिसीजन आया है कि पहले क्या होते थे, ये जो मुफ्तखोर हराम
के लोग यहाँ है वो क्या करते थे कि ब्लैक में मास्क खरीद के एक्सपोर्ट कर देते थे, एक्सपोर्ट ज्यादा पैसे में करते थे। बट 18 मार्च को एक नोटिफिकेशन ला के इन लोगों ने कि इसेंशियल आइटम में डाल करके इसको एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया, नहीं तो अभी का सिचुएशन ये होता अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये स्टेप नहीं उठाया जाता तो आज तो आप ये कह रहे हो ना 300 रुपए मास्क मिल रहा है, आपको 3000 में मास्क नहीं मिलते अगर एक्सपोर्ट होता रहता अभी तक। तो आज का सिचुएशन ऐसा है, इसेंशियल गुड्स को बैन कर दिया गया है और दूसरा सराहनीय कार्य ये किया गया है कि कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है इसेंशियल गुड्स पे, जिसके लिए मैंने भी एक जो मेरे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला है। तो उसमें ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है कि जो भी प्रोडक्ट, यहाँ तक ये नहीं कि फिनिशिंग प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है उस पे भी कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है और ज्यादातर जोर हमें रॉ मटेरियल पे देना चाहिए और लोगों को रॉ मटेरियल लाके अपने देश में बनाना चाहिए ताकि अपने देश का वो होगा, क्योंकि चाइना जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो घटिया बना रहा है और वो एक साजिश के तहत बना रहा है। 2 दिन पहले चाइना में एकदम पटाखों की और दिवाली अभी मनाई गई थी, अभी कोरोना के मरीज, पहला मरीज मिले हुए 100 दिन हुआ उसके उपलक्ष्य में कि अब वहां कंट्रोल हो गया, उसके उपलक्ष्य में दिवाली जैसा एकदम लाइटिंग किया गया था। तो देखिए हर देश, किसी देश के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, इवन अमेरिका के पास ना इंडिया के पास, सब लोग अब माल चाइना से ही से खरीद रहा है, अब मिलियन ट्रिलियन डॉलर का वो एक्सपोर्ट करके फिर पैसा बनाएगा और कुछ नहीं। तो इसलिए लोगों को मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो सरकार ने इसेंशियल आइटम पे जो ड्यूटी फ्री किया है उस पे ना करके रॉ मटेरियल पे करते, तो रॉ मटेरियल में देखिए कोई वो गंदा चीज नहीं बेचता। अभी रॉ मटेरियल मैं आपको बता दूं, अगर आता तो कोई पुराना चीज नहीं आता, लेकिन अभी जो चाइना इतना यूज किया है, मास्क यूज किया है, थर्मामीटर यूज किया है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़े लेवल पे ये सब वेंटिलेटर वगैरह यूज हुआ था, अब वही यूज प्रोडक्ट वो हर कंट्री को भेजेगा, क्या पता इंडिया को भी वही माल बेचे वो। तो ये सब बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन देखिए अब कुछ ये सब सराहनीय कदम है, लेकिन मैं कहता अगर प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पे अगर ड्यूटी फ्री रहता और अन्य चीजों पे ड्यूटी रहता तो ज्यादा ये होता कि वहां से लोग रॉ मटेरियल लाके, जैसे देखिए यहाँ पे आप मास्क की मैन्युफैक्चरिंग बहुत जोरों पे हो रहा है, सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत जोरों पे हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुका है और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इस पे जरूरी हुआ तब हुआ ये सब चीज। इसी तरह जिन जिन चीजों का जरूरी है यही टाइम है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा ले, नहीं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगा तो चाइना से कोई नहीं लड़ सकता, वो सबको ऐसे ही मूर्ख बनाता रहेगा और अपना माल बेचता रहेगा लोगों को। अच्छा धीरज जी, एक सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि पश्चिम बंगाल से एक वीडियो रिलीज होता है और उस वीडियो में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी से आह्वान किया था और कहा था कि सभी लोग इस चीज का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक जगह इकट्ठा ना हो, तो वहां पर आज भी मस्जिद के अंदर 100 से ऊपर की संख्या में लोग दिखाई दिए और मतलब लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे लोगों अभी तक ये लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। मैं भी वही देख रहा था, अभी एक न्यूज चैनल पे बैठा हुआ, जी न्यूज पे ही देख रहा था, उस मस्जिद को अभी भी दिखा रहे थे वो लोग। और तो और देखिए कितने ये लोग गिरे हुए सोच के हैं कि जो डिबेट करने आते हैं ना, जो बड़े बड़े मुस्लिम के वो बनते हैं कि हाँ जी हम बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन लोग को अभी भी देख रहा हूँ कि ये इतना सिचुएशन खराब हो चुका है, वो फिर भी अभी उन लोग का पक्षधर बने हुए हैं। तो ये लोग जो है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट को इन लोगों को उठा करके ना इन लोग को बंद कर देना चाहिए, और ये लोग न्यूज चैनल वाला इनको बुला बैठा के इज्जत देते हैं, जो इनसे डिबेट में हिस्सा लेते हैं, इन लोगों से इनका दिमाग और खराब हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा इन लोग पे एक्शन ले लीजिए, सारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी 500 मौलाना है जो कह रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, हम तो मस्जिद में जाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। तो ये सब चीज देखिए, जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, और बिल्कुल लेना चाहिए सरकार को एक्शन। नहीं तो सर अभी एक चीज बताइए, आपका कैमरा पहुंच गया उस मस्जिद तक, तभी तो आप उसका वीडियो दिखा दिए। ऐसे लाखों मस्जिद है जहां आपका कैमरा नहीं पहुंच रहा है, और दिल्ली में ही ऐसा लाखों कॉलोनी है जहां पे आपका कैमरा नहीं पहुंच रहा है और खुलेआम हो रहा है ये सब चीज। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अगर बात करें जामा मस्जिद की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद की वीडियो रिलीज होती है, तो दिल्ली पुलिस एक जामा मस्जिद के ग्राउंड की वीडियो रिलीज करती है, लोग छुट्टी के रूप में क्रिकेट खेल रहे हैं इकट्ठे होके। कम से मजे कम ले मैंने रहे भी तो मैंने भी वो वीडियो देखा, कम से कम 150 लोग थे उस ग्राउंड के अंदर में। अब आप सोचिए जहाँ 150 लोग हैं वहां पे ना होते हुए भी अगर दो को भी कोरोना हुआ तो 150 लोग गए, 150 को हो जाएगा वो बिल्कुल, और वो 150 अपने घर जाकर के 150 लोगों को और पटाए होंगे, अगले दिन वही 150 1000 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है और इस पे बहुत ही इन लोग ये लोग नहीं मानने वाले हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, तो इनके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है। तो किस तरह का एक्शन होना चाहिए आपकी नजर से? देखिए जो सबसे पहले जो ये भौंकने वाले हैं जो टीवी चैनलों पे, उनको पकड़ के पहले बंद करना चाहिए और इन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। अगर इन लोग से सख्ती से नहीं, इतना इतना कुछ होने के बाद भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये न्यूज़ चैनल पे आके बोल रहे हैं कि हाँ हम मरकज के साथ हैं और हम मौलाना साद के साथ हैं और हम उनका समर्थन करते हैं, आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। तो हाँ, अब तो क्या क्या लगता है कि जिस तरीके से अब नरेंद्र मोदी जी ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल हो चुका है, हो चुका है अनाउंसमेंट। आखिरी के दो हफ्तों को जो लॉकडाउन की जगह सीलना कर दिया जाए पूरे इंडिया में? सर देखिए पूरा इंडिया को सील करना भी पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी वो मेरे हिसाब से तो दिक्कत होना चाहिए, और बाकी अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इन जाहिलों को समझना चाहिए कि सरकार किसके लिए काम कर रहा है, सरकार तुम्हारे लिए काम कर रहा है। आज जो तुम ये कोरोना फैला रहे हो इसमें तो तुम भी मर रहे हो ना, ये तो नहीं है कि हाँ सिर्फ दूसरे लोग ही मरेंगे, तुम भी मरोगे तो जी मतलब कब तक मतलब अंधे बने रहोगे, अपने आंखों से पट्टी उतारना चाहिए इन लोग को। ठीक धीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।